सरकार और हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज एजुकेशन का माहौल, जैसा कि शुरू में आभा जी भी बता रही थी और कमलप्रीत भी बता रहे थे कि किस तरीके से ऑटोनॉमी के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से ऑटोनॉमी के नाम पे एक प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा लागू किया जा रहा है, मैं उस पर वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि उसको उन लोगों ने अच्छी तरीके से बताया है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि पिछले 4 साल में ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में मोदी जी की सरकार और देश भर के छात्रों के बीच एक जंग चल रही है और वो जंग है सवाल करने की। अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एक तरफ फीस कट हो रहा है, एक तरफ क्या पढ़ाएंगे ये तय किया जा रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ बड़ी ही सेटल तरीके से कैंपसेस का भगवाकरण किया जा रहा है, कैंपस में सेफ्रनाइजेशन किया जा रहा है, कैंपस में दलित और सवर्ण के बीच खाई खोदी जा रही है आरएसएस की शाखाओं के द्वारा, कैंपसेस में हिंदू और मुसलमान के डिबेट को खड़ा किया जा रहा है जो हमारे हिंदुस्तान की ताबीर को आने वाले समय में तय करेंगे, कैंपसेस के अंदर नारीवाद और आरएसएस के लोगों का सो कॉल्ड सांस्कृतिकवाद, इसकी एक पूरी खाई खींची जा रही है। और आज अगर आप कैंपस में सवाल करते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। ये बात एकदम सही है कि आभा जी ने शुरू में ही कहा था कि ये किसी एक यूनिवर्सिटी का हाल नहीं है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज ने, यूनिवर्सिटीज की यूनियन ने, छात्र संघों ने हमेशा से इस देश को दिशा देने का काम किया है और हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कैंपस से लेकर सड़कों तक किया है। आप चाहे आजादी का आंदोलन दिखाकर देख लीजिए कि किस तरीके से कैंपस से चिंगारी निकलती थी और वो गांधी जी के साथ भी खड़ी होती थी और भगत सिंह के साथ भी खड़ी होती थी। हम लोग तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आते हैं, जानते हैं कि चंद्रशेखर जी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स के अंदर आके रणनीति को तैयार किया करते थे कि देश आजाद कैसे होगा। हम लोगों ने वो दौर को भी पढ़ा है जब देश में इमरजेंसी लगती है और देश के सारी यूनिवर्सिटीज का नौजवान इमरजेंसी के खिलाफ सड़कों पर होता है और जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति का नारा जब बिहार में गांधी मैदान से दिया जाता है तो वो भी देशभर की यूनिवर्सिटी और छात्रों को एक करने के लिए दिया जाता है। हम लोगों ने 90 में मंडल और कमंडल का आंदोलन भी देखा है कि जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही थी और आरक्षण होना चाहिए इस बात के लिए सड़क छात्रों पे छात्र सड़कों पे निकल कर लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोगों ने असम में पूर्वोत्तर में प्रफुल्ल कुमार महंता का भी आंदोलन देखा है कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ने के बावजूद आंदोलन चलाने के बाद सरकार बनाने का काम किया था। आज फिर 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है तो इस देश के छात्रों के ऊपर फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो कैंपसेस का भगवाकरण नहीं होने देंगे। वो कैंपसेस में मोदी जी को वो बार बार कहते तो है अंबेडकर की बात, आरएसएस और बीजेपी बार बार अंबेडकर की बात करती है, लेकिन असल दिक्कत इनको अंबेडकर से, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये इतिहास को बदलना चाहते हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इनको अंबेडकर से ही दिक्कत है क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। मालूम है बीजेपी कि अगर छात्र शिक्षित होंगे तो वो यूनाइट हो। आप देखिए कि आज हैदराबाद से लेकर इलाहाबाद और लखनऊ और महाराष्ट्र और दिल्ली सब एक साथ यूनाइट होकर मोदी जी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे और संगठित होंगे तो संघर्ष करेंगे और संघर्ष करेंगे किसके खिलाफ? असमानताओं के खिलाफ संघर्ष करेंगे, चाहे वो जाति की असमानता हो, चाहे वो धर्म के नाम पे जिस तरीके का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है चाहे उसकी असमानता हो, चाहे लिंग के आधार पर जिस तरीके की असमानता है उसको लेकर इनको डर है इस बात का
कि अगर इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन सिस्टम को अगर इन्होंने डैमेज नहीं किया तो आने वाले समय में इनको उखाड़ फेंकने का काम यूनिवर्सिटीज ही करेंगे। और आप देखिए ये बात एकदम सही है, एकदम सही कह रहे थे कि पिछले 4 सालों में सबसे मजबूत विपक्ष बनने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया है तो वह इस देश के युवाओं ने और छात्रों ने। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी, हमें बात करनी होगी, हमें अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो के नारे को इंप्लीमेंट करना होगा कैंपस के अंदर। और कैंपस के अंदर जो आरएसएस ने पिछले सालों में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मानसी जी कह रही थी इस बात को कि ये ग्रासरूट पे काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से दलित और सवर्ण की लड़ाई और खाई खींची जा रही है, हम इस खाई को भी भरने का काम करना होगा, वरना हमारे संगठन की शक्ति टूट जाएगी। हमें हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को खत्म करना होगा। हमें समझना होगा कि इस समय देश का नौजवान बहुत कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है, देश का नौजवान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ उसके सामने पूरी विचारधारा है भाजपा की, आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की, या एक शब्द में कहने तो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा है इस देश के युवाओं के सामने और छात्रों के सामने। ऐसा मत सोचिए कि कैंपस में वो आपसे कहीं कमजोर है, वो भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ छात्रों के सामने एक दूसरा मॉडल है, वो मॉडल है गांधी का मॉडल, भगत सिंह के विचारों का मॉडल, पंसारे के विचारों का मॉडल, गौरी लंकेश के विचारों का मॉडल, रोहित वेमुला के विचारों का मॉडल, कलबुर्गी के विचारों का मॉडल। ये इस देश के छात्रों को तय करना है कि वो किस मॉडल को तय करेगा। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि देश का नौजवान इस समय बहुत असमंजस की स्थिति में, कि वो उस मॉडल की तरफ जाएगा कि इस मॉडल की तरफ आएगा जो लोकतांत्रिक और असमानता से रहित व्यवस्था की बात करता है। हमें इन कमरों से निकलना होगा और हमें इस मीटिंग्स को सड़कों का हिस्सा बनाना होगा, तब उस नौजवान, जो कंफ्यूज नौजवान है, हम लोग उसको समझा पाएंगे कि इस देश को लोकतंत्र की जरूरत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जरूरत है। आप देख सकते हैं ये बात एकदम सही है कि ये हमले नए नहीं थे। जब मद्रास में पेरियार स्टडी सर्किल के छात्रों ने मोदी जी के ऊपर कुछ आलोचना कर दी तो किस तरीके से पेरियार स्टडी सर्किल को बैन कर दिया गया। उसके बाद FTII में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गजेंद्र चौहान की नियुक्ति की गई और लंबे समय तक आंदोलन चला। हैदराबाद में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 3 दलित छात्रों को निराधार निष्कासित कर दिया गया और उसकी परिणति रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के रूप में हमको दिखा। हमने JNU को भी देखा, हमने DU को भी देखा, हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी, मैं पहली महिला अध्यक्ष बनकर आई थी और सबसे पहले ABVP के लोगों ने यह तय किया कि वो योगी आदित्यनाथ को बुलाएंगे और बहुत आसान था क्योंकि उनको लगता था कि एक महिला अध्यक्ष से हमको पूछने का जरूरत है, ये सवाल इस बात का था, तो हम लोगों को तय करना था। उसके बाद हम लोगों ने बनारस का भी पूरा मूवमेंट देखा कि किस तरीके से बनारस में BHU में लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लेकिन छेड़खानी का मूवमेंट तो सबको पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बनारस विश्वविद्यालय के जो उस समय मौजूदा वाइस चांसलर थे वो इस बात को कहते थे कि मुझे तो RSS ने वाइस चांसलर बनाया है, मुझे RSS की नीतियों को कैंपस के अंदर लागू करना है। और वो कहते थे और उन्होंने किया, इंप्लीमेंट किया। बॉयज हॉस्टल में नॉनवेज अलाउड था लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में नॉनवेज अलाउड नहीं था क्योंकि लड़कियां अगर नॉनवेज खाएंगी तो उनकी इंस्टिंक्ट्स जाग जाएंगी, लेकिन उनकी आंखें तब भी नहीं खुली। आप भरोसा कीजिए उनकी आंखें तब भी नहीं खुली कि जब BHU का मूवमेंट लड़कियों के इंस्टिंक्ट जानने से नहीं हुआ था, लड़कों के इंस्टिंक्ट जानने से हुआ था। और जो इस तरीके का, और ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पूजा बिल्कुल सही कह रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बलिया में, गोरखपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में, उत्तराखंड में किस तरीके से यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र लगातार अपनी छोटी बड़ी, चाहे वो फीस हाइक हो, चाहे वो जेंडर की समानता हो, चाहे कैसे वो पेट्रियार्की मुक्त कैंपस होगा, कैसे हिंदू और मुसलमान के नाम पे कैंपस का बंटवारा नहीं किया जाएगा, इसकी लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, जो कि एकदम सही बात है कि कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में नहीं आ पाती है, लोगों को पता नहीं चल पाती है, लेकिन वो लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ,
सारे आंकड़ों की बात हो चुकी, मैं आंकड़ों को नहीं दोहराऊंगी, लेकिन पिछले 4 सालों में आप जाकर चेक कर लीजिएगा गूगल पे डालकर कि अगर एक चीज में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, इतनी इतिहास में छात्रों के ऊपर इतने मुकदमे नहीं लिखे गए हैं जितने पिछले 4 सालों में लिखे गए हैं। छात्रों के ऊपर FIR की संख्या पिछले 4 सालों में कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। ये एक तरीका है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर देंगे, आप कैंपस का क्रिमिनलाइजेशन कर देंगे। माँ बाप बच्चों को सिखाने लगे हैं कि रिचा के साथ और फेयर के साथ मत उठा बैठा करो, बर्बाद हो जाओगे। तो कैंपस में एक सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स नौजवान एम्प्लॉयमेंट उनको हासिल करना है, रोजगार हासिल करना है, समाज में जगह बनानी है, अगर उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे होंगे तो ये आपराधिक मुकदमे एक तरीका है कि किस सेटर तरीके से आप कैंपसेस के संगठन की विचारधारा को तोड़ेंगे और उसकी यूनिटी को तोड़ेंगे। लेकिन हम लोग भी कहां कम है, हम लोग तो एक बार 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 कहते हैं कि एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। आप हम सफर करके पूरे हिंदुस्तान के छात्रों के बीच में जाकर अपनी बात भी कहेंगे और हम जेल भी काटने के लिए एकदम तैयार हैं। मुझे याद है कि जब मैं प्रेसिडेंट हुआ करती थी, मुझे पूरे साल भर के अंदर 15 नोटिसेस मिली और मुझे 17 बार पुलिस उठाकर लेकर गई थी, एक बार तो मेरे ऑफिस का दरवाजा तोड़कर उठा कर। आप सोचिए कि किस तरीके का, ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे अपनी कोई बहादुरी बतानी, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं लौट के विमेंस हॉस्टल के अंदर गई तो लड़कियों ने ये कहा, हम लोगों ने तो सोचा था कि हम लोगों ने इतिहास बनाया है, लड़कियां कल को आएंगी फिर से यूनियन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन लड़कियों ने ये कहा कि दीदी जेल बहुत जाना पड़ता है, घर वाले जेल नहीं जाने देंगे, इसलिए हम लोग स्टूडेंट यूनियन में हिस्सा नहीं। ये दिमागों के ऊपर हमला है, ये सरकार दिमागों के ऊपर हमला कर रही है। ये वही सरकार है जो अखलाक के घर के अंदर फ्रिज में क्या रखा हुआ है ये तो जाकर ढूंढ लेती है, लेकिन हमारे साथी नजीब का पता ये सरकार नहीं लगा। लेकिन फिर भी एक बात और पॉजिटिव हुई, अभी मैं इस बात को कर रही थी हमारी साथी से कि पिछले 4 सालों में देश भर में अक्रॉस द कैंपस अक्रॉस द स्टेट्स जो छात्रों के बीच में यूनिटी बनी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी है, ये दिन ब दिन सिर्फ मजबूती की ओर बढ़ रही है। आज जब हैदराबाद का इशू होता है तो उसकी लड़ाई इलाहाबाद और लखनऊ भी लड़ता है, आज जब बनारस में कोई धरना होता है तो उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के छात्र आवाज उठा देते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दरअसल नया इंडिया तो यही है, एक और नया शगुफा छोड़ा है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, विश्वविद्यालय जो छात्र संघ थे, जो राजनीति की नर्सरी हुआ करते थे, इस देश के भविष्य की नर्सरी हुआ करते थे, उस नर्सरी को सड़ाने का काम, उस नर्सरी को बर्बाद करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने किया है। मुझे बहुत शर्म आती है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को बीमार करके कि जजेस आके ये कहने लगे कि हमारा दम घुट रहा है, यूनिवर्सिटीज के छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम फिटनेस टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। पूरे देश को बीमार करके प्रधानमंत्री जी, पूरे देश को बीमार करके, पूरे देश की मानसिकता में सांप्रदायिकरण का जहर भरकर आपको फिटनेस टेस्ट देने का अधिकार नहीं बनता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम आपको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से, एक अंतिम बात कहना चाहती हूं कि आजादी के 70 साल के बाद आप ये सोचिए कि हम इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, हम कैंपस की बात करते हैं। मैं तो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ी तो मैं यही सोच के लड़ी कि लोग कहते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरब को ऑक्सफोर्ड है और पूरब के ऑक्सफोर्ड ने 128 साल में एक भी लड़की को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, हम कौन से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। आजादी के 70 साल के बाद दलित और मुसलमान आज देश का शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, रोजगार की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, दलित अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है और कह रहा है कि कैंपस में हमें जीने दो, हमें पढ़ने दो। मुसलमान कह रहा है कि इस देश के नागरिक हम भी हैं, हमें भी बराबरी से और सम्मान से जीने दो। दलित और मुसलमान अपनी अस्मिता और अपनी
अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है, यह है 70 साल के आजादी के भारत का सच। लेकिन एक सच और है, वो है इंक्लूसिव इंडिया का सच। भारत इंक्लूसिव था, भारत इंक्लूसिव है और भारत इंक्लूसिव रहेगा। चाहे आरएसएस की कितनी भी ताकतें आ जाएं, इनको इतिहास बदलना है। क्यों नहीं बदलेंगे? बदलना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आजादी के आंदोलन में किसी भी आरएसएस के व्यक्ति का कोई भी योगदान नहीं है। पीढ़ियां पढ़ने लगी है, बच्चे सवाल करने लगे हैं, नौजवान सड़क पर लड़ने लगा है। अगर इतिहास नहीं बदलेंगे तो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। ये डर इनको सता रहा है, इसलिए ये इतिहास को बदलना चाहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि वो हिंदुस्तान का इतिहास है जहां पे हिंदू के साथ साथ मुसलमान और सिख ने भी अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। ये वो हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान है। और उस हिंदुस्तान को बनाए रखने की लड़ाई हमें लड़नी होगी, केवल इसी सोच के साथ कि हमारा दायरा दिन ब दिन और बड़ा हो। जिस तरीके से हम लोगों ने अक्रॉस द कैंपसेस, अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज एक यूनिटी बनाई है, अब समय आ गया है क्योंकि 2019 करीब है। कई बार लोग कहते पाए जाते हैं कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2020 में भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। जाहिर है कि सियासत भी युवा होनी चाहिए, राजनीति भी युवा होनी चाहिए। और आज युवाओं का वक्त आ गया है कि 2019 आने जा रहा है। ये बार बार कहते हैं कि युवा राजनीति ना करें क्योंकि इनको मालूम है कि युवा इनके लिए केवल झंडे और बैनर लेकर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए, इसलिए ये कहते हैं कि युवा राजनीति ना करें। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ अंत में, कि आप पूछते हैं कैंपसेस के अंदर क्या बदलाव आया, हम बताते हैं कि कैंपसेस के अंदर ये बदलाव आया है कि जो कैंपसेस इंकलाब जिंदाबाद और हल्ला बोल के नारों से गूंजा करते थे, आज वो कैंपसेस धार्मिक उन्माद के नारों से गूंजने लगे हैं। ये फर्क आया है चार साल। आज कैंपसेस के अंदर धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे सिद्धार्थ वरदराजन जी थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2015 में हम लोगों ने सिद्धार्थ वरदराजन जी को बुलाया था। वाइस चांसलर ने अंतिम समय पर सिद्धार्थ जी के कार्यक्रम को रद्द किया और दूसरी तरफ एक प्रवचन देने वाले बाबा ने यूनियन के अंदर बैठकर प्रवचन देने का उसी वक्त काम किया था। ये है देश में बदलाव, ये है मोदी जी का, ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वो विचारधारा जो वो कैंपसेस के अंदर ले जाना चाहते थे, जहां पे वैज्ञानिक भी ये बोलने लगे सैटेलाइट छोड़ने से पहले कि हमें तो धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा वरना सैटेलाइट इधर उधर चली जाएगी, दर्शकों लोगों का दिमाग इधर उधर चला रहा है। दरअसल आरएसएस के लोगों का दिमाग इधर उधर चला गया है और उस दिमाग को ठिकाना हमें को लगाने करने का काम करना होगा। क्योंकि किसी ने सही कहा है, शोकन का जोश कम होता नहीं है, शोकन युवाओं का जोश, शोकन का जोश कम होता नहीं है, वरना क्या क्या सितम होता नहीं है। पूछिए कि किस तरीके से पूजा को जेल में रखा गया, पूछिए पहल क्या क्या झेलते हैं, पूछिए हम लोगों को पुलिस जब उठा कर ले जाती है और अगले दिन जब मैं अपने घर पहुंचती हूँ तो मेरी माँ कहती है कि बेटा कॉलोनी में मुंह दिखाना मुश्किल होता चला जा रहा है। पूछिए हम लोगों से, शोकन का जोश कम होता नहीं है, क्या क्या सितम होता नहीं है। भले ही काट दो बाजू हमारे, भले ही काट दो बाजू हमारे, लेकिन कलम का सिर कलम होता नहीं है। पूरे देश भर में हमें 2019 में सड़कों पर निकलना होगा और युवाओं के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, बिना किसी जाति धर्म बटे हमें देश को एक करना होगा और आरएसएस को खंडित और विखंडित करके वापस खत्म करने का काम आने वाले समय में इस देश का जो 2020 का सबसे युवा देश है वो करने का काम हम लोग 2019 में करें। इंकलाब जिंदाबाद।